हेलो वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सिर्फ चैनल को लाइव में। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं सभी के साथ बात करूंगा बाइनेंस की केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर, और यहां पे आपको केवाईसी कैसे करना है, किस तरीके से आप अपने बाइनेंस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो, उस बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और अपना प्रोसेस भी यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी टिक मार्क कर ले ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमारे फेसबुक के साथ या फिर ट्विटर के साथ आप कनेक्टिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की बाइनेंस की वीडियो की तरफ। और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा बाइनेंस अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर आपको जाना है इस पोर्शन में जहाँ पर ये वाला आइकॉन दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप यूज़र है तो आपको इस तरीके से शो करेगा। तो मोबाइल के लिए भी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, तो ज़रूर आप लोग मोबाइल वाला वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप अकाउंट में जाते हो तो ये आपका जो अकाउंट है जो भी जीमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर अकाउंट देख सकते हो लेवल जो है 1 है, LV1। ठीक है, और आपका अनवेरीफाई है, आपका जो वॉलेट है वो जनरल लेवल पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया गया है और यहाँ पे जो भी फीस वगैरह है वो कितना डिस्काउंटेड है वो यहाँ पे भी दिया गया है। तो अगर आपकी 2 BTC से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है पर डे का तो आप डेफिनेटली कर सकते हो ये वेरीफिकेशन प्रोसेस। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कोई बाइनेंस की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया है जैसे कि आपको वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जो बिट्रेक्स ने जैसा प्रोसेस किया था, बिट्रेक्स ने भी ऐसा प्रोसेस किया था, पहले शुरुआत में अपना 2 BTC लिमिट दिया था लेकिन बाद में वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर जो बेसिक वेरिफिकेशन था वो भी बंद हो गया। फिर जो एडवांस वेरिफिकेशन था उसमें भी काफ़ी सारे दिक्कत आने लगे थे। अगर मान लीजिए जो बाइनेंस जो है वो वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर देता है तो उस समय जो KYC अपडेट है वो बहुत ज़्यादा लोग करेंगे KYC के लिए अप्लाई, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको विड्रॉल करना है तो उस समय आपका पैसा फंस सकता है, तो उससे अच्छा है आप पहले से इस प्रोसेस को क्लियर करके रखे। तो चलिए हम यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन दिया गया है, एक है एंटरप्राइज, दूसरा है पर्सनल। ठीक है, तो एंटरप्राइज के लिए आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाकी सब जैसे भी आता है वो सेम ही आता है। तो हमें तो यहाँ पर पर्सनल करना है, हमें कोई कंपनी के लिए नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, तो हमारे आईडी में जो नाम है हमें उस हिसाब से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपका जो भी आईडी में नाम है उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए वो सही है या नहीं है, जो भी स्पेलिंग है उसको एक बार चेक कर लीजिए और उसी स्पेलिंग को आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सही से सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होता है तो इसके कारण भी हो सकता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट का अपना जन्म तारीख है उसको आपको अपने गलत डाला है। तो हमें यहाँ पर डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड में है या फिर जो भी पैन कार्ड आप दे रहे हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ज़रूर डाल दीजिए। तो हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे पोस्टल कोड आप लोग देख सकते हो जो भी आपका पोस्टल कोड है, जैसे कि मेरा पोस्टल कोड है यहाँ पे 395003। तो आपका जो भी है आप जिस एरिया के हो तो उस एरिया का आप पोस्टल कोड गूगल में सर्च करके डाल सकते हो। जो भी आपका सिटी है उस सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, और कंट्री डेफिनेटली अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया डालिए और अदर्स कंट्री की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी लोग शायद इंडियनी है जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो बीइंग वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है उस पर हम चले जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे अपना जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ से चालू होता है उसका प्रोसेस।
जहाँ पे आपको आईडी वगैरह पे करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले में क्लिक करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन आपको दिया जाता है, एक में है पासपोर्ट का ऑप्शन, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप दे सकते हो। दूसरा है आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन, जो मैं भी यहाँ पे करूँगा, और आप लोग चाहो तो आप लोग आइडेंटिटी कार्ड को भी पे कर सकते हो, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, तो जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये तीन चीज़ जो है आप यहाँ से पे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड को चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड मांग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होगा आइडेंटिटी कार्ड के चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमने चूज़ फाइल किया और ये हमने अपलोड कर दिया अपना फाइल, और यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। वो था अपना आइडेंटिटी कार्ड का सामने का हिस्सा, और ये है जो पिछला वाला हिस्सा जहाँ पे आपको एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम बैक पेज कहते हैं, और जो अपने पहले दिया है वो है फ्रंट पेज। तो हमने इसे भी अपलोड कर दिया और यहाँ पे कंफर्म में क्लिक किया। फिर आपको यहाँ पे देना है जो बाइनेंस वाला एक कागज़ में आपको लिखना पड़ेगा बाइनेंस, और जिस दिन आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो उस दिन आपको उस दिन का डेट यहाँ पे डालना होगा। चाहे तो आप आईडी के साथ उसका फ़ोटो खींच सकते हो, या फिर सिर्फ डेट लिख के भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ पे एक फ़ोटो खींच के रखा हो, तो जहाँ पे हमने बाइनेंस का आईडेंटिटी के साथ यहाँ पे फ़ोटो खींचे है, तो ये भी अपलोड हो गया है। तो हम यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे जो है इमेज क्वालिटी जो है वो यहाँ पे चेक कर रहा है। अगर आपकी इमेज क्वालिटी में कुछ दिक्कत होगा तो ये वेरिफिकेशन आपका फेल करा देगा, ठीक है। तो हमारा जो इमेज क्वालिटी है वो सही है, जिसके लिए ये अप्रूव पेंडिंग में चला गया है, यहाँ पे देख सकते हो वोटिंग फॉर अप्रूव, ठीक है। तो हमारा अकाउंट जो है ये अप्रूव के लिए एलिजिबल हो चुका है, तो देखते हैं कितना समय में ये अप्रूव करता है। फ़िलहाल के लिए हमारा अकाउंट जो है वो पेंडिंग में आ गया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि इसने एक टाइम भी यहाँ पे दे दिया है, लगभग 20 मिनट के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक वेट कर लेते हैं, और क्या होता है आप लोगों को ज़रूर मैं इस वीडियो में जानकारी दे देता हूँ। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्रपोजल है यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है, ठीक है, जहाँ पे अनवेरीफाइड लिखा हुआ था, और यहाँ पे लेवल टू आप लोग देख सकते हो जहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है LV2, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और हमें जो अभी लिमिट मिल गया है वो है 100 BTC का। तो हम यहाँ पे एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा प्रपोजल है वो एक्टिव हो चुका है, और बाइनेंस ने हमारे अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हो। तो इस तरीके का वीडियोस दोस्तों और भी पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो सब लोगों का अगर पसंद आया तो डेफिनेटली हमारे वीडियोस में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियोस में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।